हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम बैक टू टू आवर आवर चैनल चैनल एंड तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जाम मिल् इस्लामिया का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ कुछ जो डाउट्स आपकी आ रही हैं सारी की सारी मैं क्लियर करने वाले आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगी तो अगर आप लोग अपना फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया तो ये वीडियो जरूर देख ले जिनको भी डाउट है तो देखिए दोस्तों पहले इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो सी का फॉर्म फिल किए और जामिया मिल इस्लामिया से फिल किए और जो कोर्स फिल किए वही आप जामिया का सेपरेट फॉर्म में फिल कर सकते हैं अगर आपने सी में जामिया मिल्य इस्लामिया नहीं चूज़ किया है तो फिर को भी कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर सी का विंडो अगर ओपन नहीं होता है फिर से तो और बहुत लेस चांसेस है कि सी का विंडो फिर से ओपन हो और आप लोग को मौका मिले आ, कोई यूनिवर्सिटी या कोई कोर्स चूज करने का तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते यहाँ पर देखिए

अपना मोबाइल नंबर वगैरह तो आपने भरा ही होगा अगर कश्मीरी कश्मी, माइग्रेंट है तो कश्मीरी माइग्रेंट भर भरिए जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। अगर आप तो जम्मू एंड कश्मीर भरिए काश्मीरी माइग्रेंट मतलब जो कि कश्मीर में रहते थे बट अभी कहीं और रहते हैं का, आ, समझ में आ गया मतलब माइग्रेट हो गया काश्मीर से ठीक है एनसीसी कैंडिडेट अगर आप थे अपने क्लास ट्वेल्थ में या टेंथ में अपने स्कूल में कॉलेज में अगर आप एनसीसी कैंडिडेट थे और आपके पास सर्टिफिकेट भी है ये नहीं कि सिर्फ आप कैंडिडेट थे एनसीसी के और आपने बीच में छोड़ दिया आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है एनसीसी का तभी आप यहाँ पर यस yes, फिल कर सकते हैं एन एस वॉलेंटियर अगर आप थे अपने स्कूल में अगर सर्टिफिकेट है तभी आप यहाँ पर यस yes, फिल कर सकते हैं अपना आधार नंबर फिल करना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंड डिग्री मार्कशीट इज रिसीव्ड आपको कहां से मिला तो आपको स्कूल से मिला है ठीक है हाई स्कूल से या लिख चलेगा या पे डू यू वॉन्ट टू अप्लाई इन एनआरआई कैटेगरी अगर आप एनआरआई कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एनआरआई कैटेगरी के लिए आप नहीं अप्लाई करना चाहते तो नो तो no लिख दीजिए एनआरआई कैटेगरी क्या हुआ कि आप लोग इंडिया के हैं बट अभी इंडिया में नहीं रह रहे मतलब आप इंडियन से आप तो लेकिन आप इंडिया में भी नहीं रह रहे हैं ठीक है तो वो एन आर आई कैटेगरी होता है सो so ये एन आर आई कैटेगरी के, के लिए अगर आप हैं तो आप यस कर दीजिए अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए देन उसके बाद हैव यू एवर बीन अरेस्टेड अगर आप कभी भी ऐसा तो मतलब बहुत कम ही चांसेस होता है तो नो लिख दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ आपको कभी भी आ, कोई इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से डिबाट किया गया है आपके एग्जामिनेशन में तो आप यहाँ पर यस कीजिए वरना आप नो कीजिएगा ठीक है एनी विगिलेंस डिसिप्लिनरी केस स्पेंडिंग अगेंस्ट यू कुछ भी आपका आ, केस आप पे हुआ है तो यस वरना नो हाइएस्ट क्वालिफिकेशन लिखिए अपने फादर का मदर का क्वालिफिकेशन लिखिए अगर आपकी मदर तक पढ़ी हुई है मतलब एट क्लास तक पढ़ी हुई क्लास तक पढ़ी हुई और टेंथ उन्होंने नहीं दिया है तो इलिटरेट होगा फादर, फादर तो इलिटरेट होगा अगर ट्वेल्थ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इस हिसाब से लिखेगा एग्जामिनेशन फ्रॉम जे एम आई क्या आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सबसे बड़ा डाउट जो था यहाँ पे आप लोग क्या आपने क्वालिफाई एग्जामिनेशन पास किया है जामिया का तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ना सी यू एड का आपने इंट्रेंस दे दिया तो आप यस लिखिएगा ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे नो लिखिएगा मतलब आपने कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जे एम आई का ये आपका फर्स्ट है आपने कभी भी आप इंटरनल नहीं ना है आपने कभी भी क्वालिफाई नहीं किया एग्जाम तो आप नो लिखिएगा अगर आप इंटरनल होते तब आप यस लिखते हैं अब यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह आ जाता है ठीक है अब आप सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा यहाँ पर अब यहाँ पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है तो आपने अपना फोटो दे दिया अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया और अगर आप लोगों को फोटो कन्वर्ट करने में या अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्रेस करने में दिक्कत हो रही है जैसे कि आपका यहाँ पे फोटो मांगता हंड्रेड के बी का लेस देन तो आपको अगर आपका कुछ एम में है तो आपको कैसे कन, कैसे आपको कंप्रेस करना उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ आप लोग देख सकते हैं आई बटन पर लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और यहाँ पे चलिए आप सेवन प्रोसीड करेंगे फिर यहाँ पे आपका यहाँ पर भी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आपका अगर मार्कशीट नहीं आया तो आप क्या कीजिएगा तो अगर आपका मार्कशीट नहीं आया तो आप रिजल्ट अवेटेड पर टिक कर दीजिएगा अगर हम रिजल्ट अवेटेड पर टिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम नहीं टिक करेंगे तो हमें फिल करने की जरूरत है तो हम रिजल्ट अवेटेड पर टिक करते हैं प्रोसीड करते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिटेल आपको अपना डॉक्यूमेंट्स डिटेल तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट्स डिटेल नहीं दीजिएगा क्योंकि आपने रिजल्ट अवेटेड कर दिया अगर आप रिजल्ट अवेटेड नहीं करते तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स मांगता लेकिन आपने रिजल्ट अवेटेड कर दिया मतलब अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है तो आप सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा तो देन आपको यहाँ पर एंट्री मांग रहा है कि आपका रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है रिजर्वेशन यहाँ पर रिजर्वेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप मुस्लिम ओबीसी हैं अगर आप सिर्फ मुस्लिम मेल है तो मुस्लिम मेल लिखिए अगर आप नॉन मुस्लिम है तो जनरल करिएगा अगर आप मुस्लिम वेमेन हैं और ओबीसी हैं है ठीक है अगर आप मुस्लिम वेमन है और ओबीसी है तो ज्यादा ये दोनों में फर्क नहीं होता बट आप मुस्लिम ओबीसी कीजिए मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप मुस्लिम वेमन की कैटेगरी में तो आप आ ही रही हैं तो अगर आपका थोड़ा सा लेस हो जाता है मार्क्स अगर मुस्लिम वेमन का लेस मार्क्स चला जाता है और मुस्लिम ओबीसी का हाई मार्क्स चला जाता है और आपका लेस मार्क्स आता है तो आपको मुस्लिम वेमन की कैटेगरी में ऑटोमेटिक डाल दिया जाएगा इसलिए आप मुस्लिम ओबीसी लिखिए ठीक है क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि मुस्लिम ओबीसी का थोड़ा सा कम मार्क्स रहता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा और जामिया का अलग क्राइटेरिया है कोई भी सीट रिजर्व नहीं है बहुत ज्यादा जिस कैंडिडेट जहाँ के कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे उस हिसाब से यहाँ पर मार्किंग होती है वहां पर स्कोर होता है तो ऐसा मत सोचिए कि एकदम रिजर्व है आपका कि मुस्लिम ओबीसी का कम आएगा मुस्लिम वोमेन का उससे ज्यादा आएगा ऐसा कुछ नहीं होता कभी कभी इंटरनल्स का भी ज्यादा जाता है एक्सटर्नल से तो ऐसा देखा गया है हम यहाँ मुस्लिम ओबीसी कर सकते हैं मुस्लिम वेमेन भी कर सकते हैं अगर आप वेमेन है तो और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप मुस्लिम वेमन भी करती हैं और आपने ओबीसी जो फर्स्ट में मैंने बताया था कि ओबीसी आपने जो चूज किया था वहां पे तो आपको ऑटोमेटिकली मुस्लिम ओबीसी में भी डाल दिया जाएगा तो इसमें कुछ भी नहीं अगर आपका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा आता है जनरल जैसा आता है तो आपको ऑटोमेटिक जनरल में भी डाल दिया जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रेफरेंस खुले हुए अगर आप जो भी चूज करती है तो सिर्फ जनरल मत चूज कीजिए आप कुछ भी चूज कीजिए मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम वेमन चूज कीजिए कोई भी मैटर नहीं होगा यहाँ पे तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं यहाँ पे तो इसके लिए कोई भी डाउट होने की बात ही नहीं है आप कुछ भी चूज कीजिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही यहाँ पे मैं मुस्लिम कर देती कि मुस्लिम सी नहीं है यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा डाउट टेस्ट सेंटर डेल्ही इसको मैं जूम करके अगर दिखा दू तो टेस्ट सेंटर डेल्ही जो लिख रहा है ये आपका क्या है कि आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा जो हर कोई पूछ रहे थे कि फिर से एग्जाम देना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका डलही लिखा हुआ है ठीक है आपको एग्जाम नहीं देना है जो आपका जामिया बहुत सारा अपना खुद का एग्जाम ले रही है आप लोगों को पता है चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो बी एस बायो साइंस हो तो वो सब अपना खुद का एग्जाम ले रही है बायो टेक्नोलॉजी नहीं बायो साइंस मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे आपका बहुत सारे एग्जाम खुद ही ले रही कुछ ही एग्जाम से जो सी ले रहा है और बाकी सारे एग्जाम जामिया खुद ले रहा है तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो है आपका इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका फिर से एग्जाम होगा ठीक है आपका बिल्कुल भी फिर से एग्जाम नहीं होने वाला सिर्फ सी यू एट के ही मार्क्स पे आई रिपीट सिर्फ सी यू एट के मार्क्स से ही आपका एडमिशन होगा आपको कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है जामिया की चलिए सेवन कंटिन्यू करते है इतना बड़ा आपका डाउट पूरा हो चुका है अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आप इसको कन्फर्म कीजिए आई कन्फर्म दी अब कन्फर्म एंड सबमिट कीजिए आप प्रोसीड तो पेमेंट कीजिएगा यहाँ पर मैं आपको पेमेंट भी दिखा दू कितना मांग रहा है तो यहाँ पे आपका पहले आपको सिलेक्ट करना होगा ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ आप कार्ड से ही कर सकते हैं आप कोई भी यूपीआई से नहीं कर सकती पे आप आपका फाइव हंड्रेड फिफ्टी ले रहे और सारे कोर्सेज के लिए मतलब सबका इंडिविजुअल आपको फॉर्म फिल करना है जैसे कि अगर आपने सीएट में हिस्ट्री भी चूज किया इकोनॉमिक्स भी चूज किया तो आपको हिस्ट्री का भी अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा फाइव फिफ्टी देना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का भी अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फाइव फिफ्टी देना पड़ेगा तो ये सारी डाउट मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों हर एक डाउट मैंने क्लियर कर लिया अब कुछ भी आपका क्वेश्चन आता है अगर इस वीडियो में आपने अच्छे से देखा हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा सो so, और भी कुछ डिफिकल्टी आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ